भैया बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। अब मैं चल रही हूँ खेत में। दोस्तों मूली के खेत में आ चुके हैं, यहाँ से मूली देखते हुए उखाड़ेंगे। तो आप लोग आइए मैं पास से दिखाऊंगी। देखिए मूली काफी देखिए बड़ी हुई है, पेड़ पे लगाया गया है। देखिए इस साइड इसको मैं उखाड़ूंगी। ऐसे मूली हम देखते हुए उपार कर रखेंगे डलैया में। तो ऐसे मैं मूली देख देख के उखाड़ लेती हूँ। तो जो देखिए छोड़ पतला है उसको नहीं उखाड़ूंगी, जो मोटा साइज है वही वही उखाड़ूंगी। तो बहुत ही अच्छी देखिए मूली का खेती किया गया है। बहुत ही अच्छी देखिए बरसात के मौसम में मूली में देखिए पत्ती में कीड़ा बिल्कुल नहीं लगा है। तो ऐसे में चलती हूँ आगे तरफ। तो ऐसे में देखिए इस साइड से उखाड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा मेड़ बनाकर लाइन से लगाया गया है और काफी अच्छे से मूली का खेती हुआ है। तो ऐसे मैंने मूली देखते हुए उखाड़ लिया है। अब चलेंगे देखिए इस तरफ। तो मैंने देखिए खेत से मूली ले लिया है, अभी खेत से निकलूंगी बाहर। बनाकर यहाँ पे और जो पत्ता गोभी है तो होती है मर्चा और टमाटर का इसमें बेहन डाला गया है। तो अच्छे देखिए बेहन तैयार हो जाएगा तो फिर खेत में लगेगा उखाड़ कर दूसरे स्थान पर। एक एक करके मूली को अच्छे से मलते हुए धुलेंगे। मूली का पत्ती पीली दिखाई पड़ रही है, उसको हम बाहर निकालेंगे। दो तीन पानी अच्छे से मूली को धुलेंगे। सबसे पहले मैं मूली को काट छान के रख लेती हूँ। मूली के मूली के पत्ते के एक में काटेंगे। मूली मूली का पत्ता देखे काट लिया है। मैं नेनुआ का छिलका छलने के सहारे पहले उतार कर लेती हूँ।
अब मैं नेनुआ को टुकड़े में काट लेती हूँ। अब मैं लहसुन का छिलका उतार लेती हूँ। मूली और ननुआ का सब्जी। सबसे पहले देखिए मैंने आग जला लिया है, चूल्हे पर रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारा गरम हो गया, इसमें लहसुन का तड़का लगाएंगे, कटा हुआ मिर्चा। हमारा पक गया, इसमें डालेंगे मूली और ननुआ की सब्जी में देखिए ज्यादा मसाला नहीं लगता है, बस मैंने लहसुन और मिर्चा का तड़का लगाया हुआ है और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो खाने बहुत ही टेस्टी लगता है। ज्यादा नहीं डालूंगी, स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल देती हूँ और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। और ढक्कन लगाकर धीमे धीमे आंच पे पकाऊंगी। सब्जी मैंने चेक कर लेती हूँ, नेनुआ का पानी होता है तो इसी पानी लेके सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक जाएगी। बस थोड़ा बहुत पानी है, अच्छे से सूख जाएगा। 10 मिनट तक और पकाऊंगी। इसमें इस तरह पानी था, देखिए बहुत अच्छे से सूख गया है, तो सब्जी हमारी देखिए पक के तैयार हो गई है। अब सब्जी को मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो देखिए रोटी हमारे किचन में था, मैंने रोटी से खाने के लिए मैंने बनाया है ननुआ और मूली का सब्जी एक में। अब अच्छे थाली में निकालेंगे। रोटी पहले से था तो उसके साथ मैंने बनाया है मूली और ननुआ की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छा लगेगा दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।